ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। नमो अरहंतानम्। अतीत कभी वर्तमान बन जाता है, बारडोली का अतीत भी आज वर्तमान बन रहा है। इस नगर के साथ कितनी स्मृतियां जुड़ी हुई है, गांधी युग की स्मृतियां, सरदार युग की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। रास्ते में एक भाई ने बताया, यहाँ महात्मा गांधी ठहरते थे, यहाँ सरदार पटेल ठहरते थे, ट्रस्ट है, आश्रम है, ठहरते थे, महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे, यहाँ ठहरते थे, उसकी स्मृति तो है, पर मुझे पता नहीं कि गांधी की जीवन शैली, सरदार पटेल की जीवन शैली की स्मृति कितनी है। यह हमारे सामने एक प्रश्न है। हम लोग अतीत को बहुत ध्यान में रखते हैं। भक्त जलाराम का मंदिर आया, हम गए, देखा, बहुत सुंदर वातावरण है, सैकड़ों वर्ष पहले की स्मृति हमारे सामने विद्यमान है। हम स्मृति रखने में बहुत कुशल हैं, किंतु व्यवहार में शायद कुशल ज़्यादा नहीं है। हमें स्मृति के साथ व्यवहार को जोड़ना है कि महापुरुषों की स्मृति करें, तो साथ साथ में महापुरुषों की जीवन शैली को अपनाना और जीवन को व्यवहार में लाना, यह बहुत ज़रूरी है। सबसे कठिनाई यह है कि व्यवहार में वह नहीं आ रहा है। भक्ति है, उपासना है, पूजा है, कर्म कांड है, श्रद्धा है, और बहुत लोग श्रद्धा के साथ सब काम कर रहे हैं, किंतु जब तक वह व्यवहार बाजार में नहीं आता तो वह प्रभावी नहीं बनता, तेजस्वी नहीं बनता। आज हमें यह नहीं देखना है कि धर्मस्थान कैसा है, देखना यह है कि बाजार कैसा है। सारे समाज का प्रश्न बाजार के साथ जुड़ा हुआ है, सारे समाज का प्रश्न मानवीय संबंधों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर बाजार में अहिंसा का प्रयोग होता है तो धर्मस्थान भी तेजस्वी बन जाएंगे, और बाजार में अहिंसा का प्रयोग नहीं है तो धर्मस्थान भी तेजस्वी नहीं बन पाएंगे। अहिंसा का एक रूप है करुणा, संवेदनशीलता। आदमी में संवेदनशीलता है, करुणा है, तो शायद सब कुछ ठीक होता है। क्रूरता है, धर्मस्थान में तो दया है, अनुकंपा है, करुणा है, और कर्मस्थान में नहीं है। यह दोहरा मानदंड, दोहरा व्यक्तित्व आज समस्या पैदा कर रहा है। दो तीन दिन पहले हम एक उपनगर में गए, सूरत के उपनगर में, पांच चार भाई हमारे सामने खड़े हुए और हाथ में ईंटें थी। हमने पूछा क्या है, कि हम एक चबूतरा बना रहे हैं, किस लिए, कबूतरों को दाना डालने के लिए। बात ठीक है, मनुष्य में करुणा है, कब वह अपनी नहीं पशुओं की बात भी देखता है, किंतु ये करुणा पांजरा पोल की करुणा, गौशाला की करुणा, कबूतरों के लिए चबूतरा बनाने की करुणा, यह करुणा बाजार में आ जाए, आदमी किसी का शोषण न करे, अनैतिक काम न करे,
व्यापार में हेरा फेरी न करे, धोखाधड़ी न करे, तो समाज कितना अच्छा बन जाए। और अहिंसा का विकास तभी हो सकता है। एक समय था जब महात्मा गांधी, सरदार पटेल आदि आदि एक संघर्ष कर रहे थे। वह संघर्ष आज़ादी का संघर्ष था, आज़ादी की लड़ाई थी, लाखों आदमी उसमें लगे हुए थे। अब आज़ादी तो मिल गई, अब आज़ादी के बाद क्या होना चाहिए वह काम नहीं हुआ। स्वतंत्रता की रक्षा नैतिक मूल्यों के विकास के बिना नहीं हो सकती। जब आज़ादी मिली थी राष्ट्र को, आचार्य तुलसी ने एक गीत बनाया था, असली आज़ादी अपनाओ, असली आज़ादी अपनाओ, असली आज़ादी। यानी एक स्वतंत्रता है भौगोलिक स्वतंत्रता, आपके भूखंड पर किसी दूसरे का शासन नहीं रहा, अब आप स्वयं अपने भूखंड पर अपना शासन कर सकते हैं, यह अधिकार आपको प्राप्त हो गया, आज़ादी का एक रूप है। किंतु जब तक नैतिकता नहीं होती तब तक आज़ादी का असली रूप हमारे सामने नहीं आता, और आज़ादी से जनता को जो राहत मिलनी चाहिए वह नहीं होती। बहुत जरूरी है नैतिकता, और जब नैतिकता नहीं है तो आर्थिक आज़ादी भी नहीं होती। आज मैं देखता हूँ कि आर्थिक विषमता कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। शायद बारडोली का क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है, आसपास में बहुत है, और लोगों ने बताया कि यहाँ शुगर मिल इतनी बड़ी है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी है, और एक भाई ने कहा एशिया में सबसे बड़ी है। आपके पास शुगर मिल है, और भाई ने बताया कि प्रतिदिन 14,000 बोरी शुगर बनती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वह चीनी की मिठास बाजार में है या नहीं, जीवन में है या नहीं है, हमारे व्यवहार में है या नहीं है। इतनी बड़ी मिल है और इतनी मात्रा में चीनी बनती है, तो कम से कम 150 किलोमीटर में तो उसकी मिठास पहुंचनी चाहिए, एक की मिठास जानी चाहिए और जीवन में आनी चाहिए, कहीं सुवास और कहीं स्वाद। सुवास तो फूलों से आ सकती है, पर चीनी से मिठास और स्वाद तो आ सकता है। मुझे नहीं पता कि आपके बाज़ार में कितनी मिठास है, घरेलू व्यवहार में कितनी मिठास है, कितना स्नेह है, कितनी परस्परता और कितना सौहार्द है, नहीं पता है। पर यह पता है कि पूरे वातावरण का पता है कि मानवीय संबंधों में जो सुधार होना चाहिए वह वर्तमान की राजनीतिक प्रणाली अर्थव्यवस्था में नहीं है, और उससे प्रभावित समाज और राष्ट्र में भी नहीं है। हर आदमी सोचता है पर दृष्टि का अंतर होता है। सेब का पेड़, सेब नीचे गिरती है। जब न्यूटन ने देखा कि सेब नीचे क्यों गिर रही है, तो एक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सामने आ गया कि गुरुत्वाकर्षण के कारण सेब नीचे गिर रही है। दृष्टिकोण का अंतर होता है। अध्यापक ने एक विद्यार्थी से पूछा कि बताओ कि सेब नीचे क्यों गिरती है। विद्यार्थी बोला, मास्टर साहब इतनी सीधी बात आप नहीं जानते, हम खाने वाले सब नीचे हैं, ऊपर जाकर सेब करेगी क्या, बहुत सीधी बात है। तो अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है कि कौन व्यक्ति किस दृष्टि से किस घटना को, किस वस्तु को देखता है, हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब तक दृष्टिकोण को बदलने का प्रशिक्षण नहीं मिलता, तब तक
सेव खाने वालों के पास भी जाती है, सेव गुरुत्वाकर्षण का हेतु भी बन जाती है। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारे पास 3 सेब है और तुम्हारे अकस्मात तुम्हारे 3 दोस्त आ गए, तुम खाने की तैयारी कर रहे हो, दोस्त आ गए तो क्या करोगे? बोला, माँ 3 को छिपा दूंगा, उनके जाने की प्रतीक्षा करूंगा। जब यह स्वार्थी दृष्टिकोण होता है, आदमी हर बात को स्वार्थ की भाषा में सोचता है और स्वार्थ की आंख से देखता है, सारे निष्कर्ष बदल जाते हैं, सारे नियम भी बदल जाते हैं। हमारी बड़ी समस्या होती है स्वार्थ। मैं स्वार्थ को बुरा नहीं मानता, स्वार्थ को बहुत बड़ी प्रेरणा मानता हूँ, और हमारी दुनिया में काम करने की प्रेरणाएं हैं, उनमें सबसे बड़ी प्रेरणा है तो वह स्वार्थ है। स्वार्थ को जिन राजनीतिज्ञों ने, जिन राजनीतिक प्रणालियों ने अस्वीकार किया, वे सफल नहीं हो सकी। किंतु स्वार्थ की भी एक सीमा होती है कि व्यक्ति उतना स्वार्थ कि दूसरों को हानि न पहुंचाए और दूसरों के प्रति अन्याय भी न हो, वहाँ तक तो स्वार्थ ठीक है, पर दूसरों का तो बहुत ले है, जहाँ दूसरों का प्रश्न आए वहाँ स्वार्थ आदे आ जाए, वह सारी हिंसा हो जाती है। 4 दोस्त मिले, बोले चलो आज तो पिकनिक पर चलना है, योजना बना ली, चलेंगे, क्या करोगे? खीर बनानी है। तो बोलो क्या करोगे? एक बोला कि मैं दूध ले आऊँगा, दूसरा बोला मैं चीनी ले आऊँगा, और तीसरा बोला मैं चावल ले आऊँगा, चौथे पूछा बोला तुम क्या लाओगे? मैं मेरे भाई भतीजों को खाने के लिए ले आऊँगा। ये वृत्ति जहाँ बन जाती है वहाँ समस्याएँ पैदा होती है। हम विचार करें, और धार्मिक आदमी को तो ज़्यादा विचार करना है कि ऐसा स्वार्थ न हो, दूसरे का शोषण हो, दूसरे के साथ क्रूरता का व्यवहार हो, दूसरे के प्रति अन्याय हो, ऐसा स्वार्थ कभी नहीं करना है। स्वार्थ की सीमा यह है कि दूसरों को कोई हानि न पहुंचे। वह वहां तक स्वार्थ मान्य हो सकता है और वह कोई बड़ी हिंसा पैदा नहीं करता, किंतु वैसा स्वार्थ जहां जिसके साथ क्रूरता है, अन्याय है, शोषण है, प्रताड़ना है, वह प्रतिक्रियात्मक हिंसा पैदा कर रहा है, तो मैं मानता हूँ कि हिंसा को बढ़ने में जो अवकाश मिल रहा है, क्षेत्र मिल रहा है, उसके 2 बड़े कारण है। एक कारण तो ये संवेदनहीनता, संवेदनशीलता नहीं है, संवेदनहीनता है, करुणा नहीं है, दया नहीं, अनुकंपा नहीं है, और दूसरा कारण स्वार्थ, अति स्वार्थ, केवल अपना स्वार्थ, ये 2 हिंसा को बढ़ाने वाले बड़े कारण हैं। आज अगर महात्मा गांधी विद्यमान होते, सरदार पटेल विद्यमान होते, तो वर्तमान का समाज उन्हें सुख शांति नहीं दे पाता, संतुष्टि नहीं दे पाता, और शायद सोचते क्या हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम यह आ रहा है, अच्छा नहीं मानते। आचार्य तुलसी ने आज़ादी के साथ साथ अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया था, और इसीलिए किया था कि जब सत्ता हाथ में आती है उस समय अपार धन सत्ताधीशों के सामने रहता है और बाजार में भी रहता है, और उसका संयम करना बड़ा कठिन है, तो नैतिकता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आचार्य तुलसी जब दिल्ली पधारे, राजेंद्र बाबू जो उस समय प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के, उनसे बातचीत हुई और उनके सामने ये स्थिति रखी कि देखिए राजेंद्र बाबू, हिंदुस्तान स्वतंत्र हो गया, भौगोलिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, किंतु अगर
नैतिक मूल्यों का साथ साथ विकास नहीं हुआ तो वह स्वतंत्रता में जो मिठास आनी चाहिए, जो बारडोली की शुगर मिल में जो मिठास पैदा होती है वह आनी चाहिए, वह पैदा नहीं होगी। उन्होंने इस बात को बहुत पसंद किया और उन्होंने पंडित नेहरू को पत्र लिखा कि पंडित जी, आचार्य तुलसी आए हैं और एक बहुत बड़ी अच्छी योजना लेकर आए हैं, राष्ट्र के लिए बहुत कल्याणकारी योजना है, और आप उनसे मिले, बात करें और उस योजना को हमें आगे बढ़ाना है। पंडित जी भी मिले, बातचीत भी हुई और सब ने महसूस किया कि स्वतंत्रता और नैतिकता, चाहे कह दो अहिंसा, गहरा संबंध है। अगर स्वतंत्रता का और उपयोग किया, अहिंसा और नैतिकता को मूल्य नहीं दिया गया, बढ़ावा नहीं मिला, तो स्वतंत्रता में भी हो सकता है कि कड़वाहट आ जाए। आज भी हमें उस परिप्रेक्ष्य में देखना है कि महात्मा गांधी हमारे सामने नहीं है, पटेल, सरदार पटेल भी हमारे सामने नहीं है, आचार्य तुलसी का भी स्वर्गवास हो गया। अब हमें वर्तमान में जो है उन्हें देखना है कि हम क्या करें। हम गुणगान करने में बहुत कुशल हैं, सब महापुरुषों का खूब गुणगान करते हैं, भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उनकी जीवन शैली को अपनाने के समय हम अलग अलग हो जाते हैं। इस समस्या को दूर करना है और मैं मानता हूँ इस समस्या का समाधान केवल प्रशिक्षण है। चाहे दार्शनिक दृष्टि से विचार करें, चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें, जब तक हमारा मस्तिष्क की ये प्रशिक्षण नहीं होता, मस्तिष्क की ये परिवर्तन नहीं होता, तब तक बदलाव की बात सामने आ नहीं सकती। आवश्यक है मस्तिष्क की ये प्रशिक्षण, जो मस्तिष्क के प्रकोष्ठ आज स्वार्थ, हिंसा, क्रूरता, आक्रमण, आक्रामक मनोवृत्ति का काम कर रहे हैं, उद्दीप्त हो रहे हैं, उनको निष्क्रिय बनाकर करुणा, प्रेम, सकारात्मकता, प्रकोष्ठकों को हम सक्रिय बना सकें, हम बदल सकते हैं, कर सकते हैं। बिना प्रशिक्षण नहीं कर सकते, किंतु कर सकते हैं। आज के मनोवैज्ञानिक जब बंदरों को प्रशिक्षित कर, चूहों को प्रशिक्षित कर, बिल्लियों को प्रशिक्षित कर, बड़े बड़े कर्तव्य कर लेते हैं, तो आदमी तो बहुत शक्तिशाली है, उसके पास तो बहुत विकसित मस्तिष्क है, उसके पास इतना बढ़िया मस्तिष्क है, उसके पास रीजनिंग माइंड है, और उसने नियोकॉर्टेक्स का विकास किया है, कितना कर सकता है। पर इस दिशा में हमारा चल नहीं रहा है, हमारा चल रहा है प्रवचन। प्रवचन मैं भी करता हूँ, पर मैं आपको बता दूँ, एक सच्चाई भी बता दूँ कि प्रवचन करता हूँ, पर साथ साथ ये मानता हूँ और जनता को बतलाता हूँ कि अगर प्रवचन को ही समाप्त कर दिया, मान लिया कि सब कुछ हो जाएगा, तो मैं भी शायद भ्रांति में रहूँ, आप भी भ्रांति में रहेंगे। प्रवचन मात्र एक प्रेरणा हो सकता है, प्रेरक हो सकता है, आपको कुछ सोचने को विवश कर सकता है, पर कब तक? कि जब तक रोटी नहीं खाओगे तब तक। यहाँ से गए, सुना, एक बार मस्तिष्क जंकृत हुआ, पानी की एक गिलास पी अथवा दो रोटियाँ खाई, उसके साथ प्रवचन भी समाप्त हो जाएगा, बह जाएगा, पानी के साथ बह जाएगा या रोटियों के साथ गले उतर जाएगा। जब तक आप प्रवचन को अगला रूप न माने, प्रवचन का उत्तर काल है। हमारे भारतीय चिंतन में कुछ शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। सुनो, फिर मनन करो, फिर निधिध्यासन करो, रियलाइज करो, अनुशीलन करो उसको कि क्या सच्चाई है।
तो होगा, आज तो पूरा कोर्स तो हो नहीं रहा है, हमारा अधूरा कोर्स है कि प्रवचन किया, प्रवचनकार ने आपने सुना, अच्छा लगा तो सिर हिला दिया, प्रशंसा के दो शब्द बोल दिए, अच्छा नहीं लगा तो जल्दी उठकर चल दिए, बस ये सारा होता है। प्रवचन के बाद क्या होना चाहिए, जब तक आज एक उत्तर दर्शन का पश्चिमी जगत में शाखा चल रही है, उत्तर दर्शन, उत्तर दर्शन क्या होना चाहिए, प्रवचन के बाद हमें क्या करना चाहिए, वह है प्रशिक्षण। हम लोग आए हैं केवल प्रवचन करने नहीं आए, प्रशिक्षण देने। आप लोग अभी तो समय बहुत हो गया, रात्रि को देखेंगे कि ध्यान का प्रशिक्षण प्रवचन के बाद दिया जाएगा। आप प्रशिक्षण लें, दो चार दिन में आपको ऐसा लगेगा कि आदमी में क्या है, कितना बदल रहा है, कितना हो रहा है। मेरे मन में आ रहा था, मैंने बारडोली में प्रवेश किया, जनता की तो भीड़ थी, पर पूरे रास्ते पर लगभग दोनों तरफ विद्यार्थियों की पंक्तियां खड़ी थी, और मैंने सोचा सारे विद्यालय यहाँ आ गए क्या, कितने विद्यालय, कितने विद्यार्थी हैं। उन विद्यार्थियों को हम केवल पाठ पढ़ाएं, केवल सरकारी कोर्स करा दें, केवल उनको बौद्धिक बना दें या व्यावसायिक शिक्षा दे दें, उनके जीवन का कुछ नहीं होगा। बाहर की शक्ति हो जाएगी पर उनके जीवन का परिवर्तन नहीं होगा, और वे सुख शांति से नहीं जी पाएंगे। कल ही मैंने वहाँ शिक्षकों की गोष्ठी में कहा था कि अब कोरा यह इंटेलेक्चुअल बनाने का समय नहीं, इसके साथ इमोशनल इंटेलिजेंसी का विकास होना चाहिए, और जब तक इमोशनल इंटेलिजेंसी का विकास नहीं होता है, हमारा पूरा काम नहीं होता। तो मैं भी कहना चाहता हूँ, मुझे मन में भी एक करुणा का भाव भी जागता है, इतने विद्यार्थी धूप में हमारे स्वागत में खड़े थे, हम उन्हें क्या दे पाए, क्या करें। जब विद्यार्थियों के बीच में अगर जीवन विज्ञान का प्रयोग चले, जो उनके जीवन निर्माण का, चरित्र निर्माण का और सुख शांति पूर्वक जीवन बिताने का विज्ञान है, वह कुछ हम बता सकें तो शायद उनको लाभ पहुंच सकता है। इसलिए इन चार दिनों के समय में अगर संभव हो तो हमारे कार्यकर्ता प्रयत्न करें कि विद्यालयों में भी आधा घंटा घंटा एक जीवन विज्ञान का प्रयोग भी चले। हमारी समणियाँ जा सकती है, साधु साधियाँ जा सकते हैं, वह कार्य चले। और युवकों में भी यह दो तीन दिन का अहिंसा प्रशिक्षण का, जीवन विज्ञान का, प्रेक्षा ध्यान का अल्पकालिक शिविर चले, एक घंटा सुबह एक घंटा रात को और प्रवचन के बाद। तो मैं मानता हूँ कि वह एक ऐसा प्रयोग होगा जिससे आपको लगेगा कि हमें कुछ मिला है।